नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल NDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 8 देख रहे थे और पार्ट 8 में हम लोग सिंपल प्रेजेंट को देख रहे थे। सिंपल प्रेजेंट के कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने देखा था और वीडियो के लास्ट फेज में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर देख लिए थे। उसमें दोनों देख लिए थे, यस में क्वेश्चन वाला भी एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला भी। आज हम लोग इसका टाइम एंड टेंस पार्ट 9 देखेंगे और उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट के यस नो क्वेश्चन प्लस निगेटिव और डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस निगेटिव से, ठीक ना। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन और निगेटिव दोनों की चर्चा होगी तो हम लोगों के पास दो विकल्प होगा। पहला यस नो क्वेश्चन होगा और उसके बाद निगेटिव भी होगा। उसके लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग डू या डज लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, तब वी वन, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देंगे। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ये नॉट यहां एक साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं, डोंट हो जाएगा या डजंट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डोंट यू रेस्पेक्ट यो एल्डर्स, क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हो। देखिए, क्या क्वेश्चन हो गया और नहीं भी है तो नेगेटिव भी हो गया। और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, Do I not teach you English? Do I not teach you English? या don't I भी कह सकते थे, don't I teach you English? क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। Doesn't your mother give you sweets? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें मिठाइयां नहीं देती हैं? Don't they tease you in the school? क्या स्कूल में वे लोग तुम्हें चिढ़ाते नहीं हैं? Doesn't she like you? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती है? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सेंटेंसेस ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप बनाइएगा, जितना ही प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको इफिशियंसी मिलेगी, मतलब आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप यूज टू होंगे इस स्ट्रक्चर से। और प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ निगेटिव देखते हैं। तो दूसरा फॉर्म क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा और इसके साथ निगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, कोई अंतर नहीं। यस नो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वही पैटर्न रहेगा,
जस्ट उसके पहले हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे। तो लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड पहले, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को हम नॉट यहां जोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद डोंट या डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसे जैसा कि मैंने कहा था कि हु जो होता है ना, एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है, वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जगह कम था इसलिए मैंने हु वाला एक लिख दिया, बाद में मैं वो सब लिखता हूं। देखिए हु डजंट हेल्प यू, यहां डायरेक्ट ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक ना, और उसके बाद सब्जेक्ट कुछ है नहीं ना, और क्वेश्चन है हु डजंट हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है। तो ये पैटर्न क्या था, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डोंट या डजंट, ये तो ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, तो कहीं सब्जेक्ट है नहीं ना, मींस कि ये हु ही सब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक ना, और इसीलिए इसे हम अपवाद कहते हैं। और ये डजंट हो तो इससे सिंगुलर का बोध होगा, और ये डोंट हो तो इस हु से प्लूरल का बोध होगा, जैसे कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, और कौन तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। तो ये हु जो है एक्सेप्शनल केस है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, किसी भी सेंटेंस में नहीं करता है, लेकिन बाकी सब करता है। उसका उदाहरण देखिए, Why don't you learn English? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? देखिए why WH word, यहां से डॉट एक साथ कर दिए, फिर सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, Why doesn't she like you? वह तुम्हें क्यों नहीं पसंद करती है? What don't you do for her? तुम उसके लिए क्या नहीं करते हो? Where does she not go to play? वह कहां खेलने नहीं जाती है? या where doesn't भी कर सकते थे? Where doesn't she not go to? Where doesn't she go to play? यही not यहां जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो सोचें, जो सोच सकते हैं, पैटर्न फॉलो होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, बना सकते हैं बनाइए। छोटी मोटी गलतियां जो वर्ड से संबंधित होंगी उसको इग्नोर कर दीजिए, बाकी स्ट्रक्चर सही होगा तो आपका सेंटेंस ऑलमोस्ट सही होगा। अब हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का
पैसिव स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पैसिव स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहां करते हैं, जहां पर सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं रहता है। और जनरली हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आता है, उसका पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मजबूरी में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। तो पैसिव के किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि तीन काम तो करना ही करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं और सब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस के लिए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका रूप भी तो बदलेगा। जब हम लड़का को लड़की बनाएंगे किसी प्ले में प्ले करने के लिए, तो अब ऐसा थोड़े है कि मूंछ वाला आदमी को हम लड़की बना देंगे, उसका मेकअप करेंगे उस तरीके से, हम उसको बनाएंगे कि लड़की जैसा दिखे। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसका केस बदल जाता है। और मैंने बताया था कि जनरली नाउन का तो केस नहीं बदलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसे रहता है, बट प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन में, प्रोनाउन का केस सब्जेक्ट में अलग और ऑब्जेक्ट में अलग। जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर होता है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में कहते हैं, लेकिन वही नाउन या प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाता है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। और मैंने बताया था प्रोनाउंस का फॉर्म बताया था मैंने, कि प्रोनाउंस के फॉर्म में जैसे आई का सब्जेक्ट में आई है, ऑब्जेक्ट में मी। अब मी को यहां लाएंगे आई के जगह पर तो ये आई हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर। तो यही करना है, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यह किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या बताया था मैंने, एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना है, मतलब अलग से, यदि उसमें पहले से है तो वो रखेंगे, नहीं है तो डालना ही डालना है। और उसके बाद वर्ब का मेन जो फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो पहले इसमें एडिशनल इस एम आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब डाल देते हैं। ये क्यों डालते हैं, इसका लॉजिक मैंने बताया था कि बी एक वर्ब होता है जो हर वर्ब में इंक्लूडेड होता है, और बी के फॉर्म में, चूंकि हमको सिंपल प्रेजेंट में वी वन या वी फाइव में से दिखाना है, और बी का वी वन या वी फाइव फॉर्म क्या होता है, ये वी वन में हम लोग एम और आर लेते हैं और वी फाइव में इस लेते हैं, हमारे पास बी का यही फॉर्म होता है वी वन और वी फाइव में, इसीलिए इस एज इस एम आर में से कोई एक लेते हैं। जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहां पर हम लोग इस ले लेंगे, आई के साथ एम ले लेंगे, बाकी सब के लिए आर, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी थी लिखने का मतलब मेन वर्ब समझिए, यहां हमारा काम खत्म। अब ट्रांसफॉर्मेशन में जब आएगा एक्टिव से पैसिव बनाना या पैसिव से एक्टिव बनाना, तो वो अलग बात है, वहां पर हम लोग सेंटेंस को अलग तरीके से देखेंगे। फिर यहाँ हम लोग कोई एजेंट जोड़ेंगे, जनरली बाई हम लोग जोड़ते हैं, फिर सब्जेक्ट वहां लाते हैं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो उसका केस बदलेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो नाउन का तो बदलना ही नहीं है, प्रोनाउन का बदलना है, वो बदल दीजिएगा। यही है रियल लाइफ में देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो हमारे सेंटेंसेस पैसिव में तभी बनाए जाते हैं जब सब्जेक्ट नहीं रहता है। अब कुछ उदाहरण देख लिया जाए, जैसे हम कहें कि यहां पर थोड़ा सा हम लोग बदल रहे हैं, इसको सही रखते हैं। आई एम फोर्स्ड टू गो देयर, मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया जाता है। अब कौन मजबूर करता है, कुछ पता है इस सेंटेंस में, कोई ना कोई करता होगा वो अलग बात है, लेकिन इस सेंटेंस में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कि मजबूर कर कौन रहा है। तो जब काम करने वाले का पता नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, तो हम उस सेंटेंस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो किसको मजबूर कहता है, मुझे, तो वही मी मुझे यहां आई बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और एस एम आर में से एम लगा दिया आई के लिए,
फोर्स का थर्ड फॉर्म फोर्स्ड होता है, मजबूर करना, कंपेल भी होता है, और यहाँ इन्फिनिटिव फॉर्म है गो का, किसी भी वर्ब के पहले टू लगा दें तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाता है, वो वी1 के साथ होता है। मैं जब फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, और वी आर एफ जानते हैं, तो मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया जाता है। You are taught English grammar. आप लोगों को English grammar पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ा रहा है? कुछ पता है? नहीं। तो जब काम करने वाले का पता नहीं है, किसको पढ़ाया जा रहा है? आप लोगों को। ऑब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट बना दिए। इस एम आर में से यू के लिए आर ले लिए। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टीच में से पढ़ाना, उसका थर्ड फॉर्म टॉट होता है, वो ले लिए। क्या पढ़ाना जी? इंग्लिश ग्रामर। तो ये हो गया। और भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। रोहित शर्मा इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर इन द ओडीआई क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा को सबसे डिस्ट्रक्टिव, मतलब वहां तहस नहस कर देना किसको, बॉलर को, बॉलिंग को, तो इसलिए हमने लगाया डिस्ट्रक्टिव। हम बेस लगा सकते थे, है ना। तो रोहित शर्मा को कंसीडर किया था, माना जाता है। अब ये रोहित शर्मा एज एवार में से एज कंसीडर का थर्ड फॉर्म, ठीक ना, रिगार्डेड भी कह सकते थे, नॉन भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग सेंट और मिलते हैं। हार्दिक पांड्या इज ऑफन किप्ड इन MI, मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या को अक्सर मुंबई इंडियंस में रखा जाता है। तो कौन रखता है वो अलग बात है, कैप्टन रखता है, कोच रखता है, टीम का जो मैनेजर है वो सब राय करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ पता नहीं है किसको रखता है हार्दिक पांड्या को, वो ऑब्जेक्ट है, रख दिया सब्जेक्ट के रूप में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज रख दिया, और किप का थर्ड फॉर्म किप्ड होता है तो उसको लगा दिया, पैसिव बन गया। और भी ले लेते हैं। आपको लगता होगा केवल क्रिकेट से एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज के डेट में सबसे पॉपुलर गेम है, मोस्ट पॉपुलर गेम से कह सकते हैं।
सचिन तेंदुलकर इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट का भगवान माना जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट किसको? सचिन को। यहां से थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज नो का थर्ड फॉर्म नोन, बाकी सब तो आप देखते ही हैं। रविंद्र जडेजा इज नोन एज द बेस्ट फील्डर इन इंडियन क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट में रविंद्र जडेजा को सबसे अच्छे फील्डर के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है। इस तरीके से इस तरह के जितने सेंटेंसेज हैं जहां पर काम करने वाले का पता नहीं है वहां पर हम लोग इसको जो है पैसिव स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि पैसिव स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव में हम लोग देख लिए, इस फॉर्म में हम लोग अफर्मेटिव फॉर्म में जब सेंटेंस को रखते हैं तो इतना जान लीजिए कि इसका हर फॉर्म बनाया जा सकता है। उसका नेगेटिव फॉर्म भी हो सकता है, उसका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। एक आध सेंटेंसेस Is your mother respected at your home? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर रेस्पेक्ट की जाती है? क्या तुम्हारे माँ का सम्मान किया जाता है? Are they respected in India? क्या उन लोगों का सम्मान भारत में किया जाता है? तो हो गया ना क्वेश्चन। Are farmers given appropriate facilities? क्या किसानों को उचित सुविधाएं दी जाती हैं? तो ये इंट्रोगेटिव हो गया ना। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, उसमें यस नो क्वेश्चन नेगेटिव बना सकते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन नेगेटिव बना सकते हैं। सुना, देखिए एक आध सेंटेंसेस। Why is Arjun Tendulkar not given a chance in MI, Mumbai Indians? Arjun Tendulkar को Mumbai Indians में चांस क्यों नहीं दिया जाता है? ठीक ना? तो यहां पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन और नेगेटिव भी है, नॉट। अब कर सकते हैं,
why aren't they punished when they violate the rules and regulations? ठीक ना, जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं, या इसको नेगेटिव बना के देखें तो और मजा, वाई आरंट दे पनिश्ड व्हेन दे डोंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस? जब वे लोग नियम कानून का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें पनिश क्यों नहीं किया जाता है, उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाता है, उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती है? तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर का हर फॉर्म में हम बना सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन निगेटिव, सब कुछ। अब हम लोग क्वेश्चन टैग देख लें। जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन टैग का मतलब होता है क्वेश्चन जोड़ देना, टैग मतलब जोड़ना, है नहीं जोड़ दिए तो क्वेश्चन बन गया। जैसे जब भी हम डाउट में होते हैं, उस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसमें दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं बाकी के तीन सेंटेंसेज में, तीन टेंसेज में बता चुका हूं। पहला कि पहले ही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होगा, उसके बाद कमा कर लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां अफर्मेटिव होगा तो यहां डोंट या डजंट का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद एपीएस बाई एनसी तक क्वेश्चन मार्क। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं एपीएस बाई एनसी का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। मैं बोल के दिया हूं, आपको जहां समझ नहीं आएगी वीडियो पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस हम रखेंगे। जैसे हम कहें You play cricket, don't you? तो देखिए, you play cricket तक तो नॉर्मल है कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, लेकिन यहां लगा दिए don't you, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम क्रिकेट खेलते हो ना, सॉरी you play cricket, तुम क्रिकेट खेलते हो, लेकिन हम don't you लगा दिए तो उसमें क्वेश्चन डाल दिए, तुम क्रिकेट खेलते हो ना। जैसे और कुछ सेंटेंसेस देख लें, देखिए कुछ और सेंटेंसेस, ही लाइक्स यू, सॉरी सी लाइक्स यू, डजंट सी, वह तुम्हें पसंद करती है ना, तो यहां तक तो नॉर्मल, सी लाइक्स यू, और जैसे हम जोड़ दिए डजंट सी, मतलब क्या हुआ, वह तुम्हें पसंद करती है ना। जैसे योर फादर लव्स यू, डजंट ही, तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं ना,
योर फ्रेंड हेल्प्स यू डजंट ही, तुम्हारा मित्र तुम्हारी मदद करता है ना। योर मदर टीचेज यू डजंट सी, तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ाती है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन टैग का एक स्ट्रक्चर देख लिए अफर्मेटिव। उसके बाद हम लोग इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर बचता है उसको देख ही लें। पहले ही स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा, उसके बाद कमा डाल देंगे और फिर डू या डज लगा देंगे और उसके बाद एपीएस बाई एनसी तब क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, मैं बार बार एपीएस बाई एनसी को बता रहा हूं, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। मैंने क्या लिखा था, योर फादर के लिए हमने क्या लगाया था, ही लगाया था। योर मदर के लिए शी लगाया था। इस तरीके से दिस इज देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहले ही नेगेटिव, यू डोंट पे अटेंशन टू स्टडीज, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो। कमा लगाएंगे, डू यू मतलब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो ना। योर फ्रेंड डजंट डिस्टर्ब यू, डज ही तुम्हारा मित्र तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता है ना। फार्मर्स डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, डू दे किसान कुछ भी गलत नहीं करते हैं ना। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर क्वेश्चन टैग का बना सकते हैं। तो हम लोग इसमें इस पार्ट में पार्ट नाइन में टाइम एंड टेंस पार्ट नाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो भी था हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके कितने यूसेस हैं उन सारे यूसेस को अगले वीडियो में देखेंगे और उनके साथ कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।